क्या होगा अगर आप जो भी पढ़ो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप चाहकर भी उसे ना भूल पाओ। आपने इस टॉपिक पर YouTube पर पहले भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। किसी ने कहा होगा बादाम खा लो, तो किसी ने कहा होगा सुबह टहल लो, लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। और अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको अपना पढ़ा हुआ पहले के मुकाबले ज्यादा याद रहने लगेगा। और इसके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आप पढ़ा हुआ भूल क्यों जाते हो। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा याद रहती है? किसी खूबसूरत से इंसान की शक्ल, किसी दोस्त की बातें, किसी अच्छी फिल्म की बढ़िया सी कहानी, कोई बेहतरीन सा गाना या कोई बहुत दुखी कर देने वाली घटना। ये ऐसी चीजें हैं जो आप चाहकर भी नहीं भूल पाते। आपने कभी इनको याद करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये आपके दिमाग की गहराइयों में है और आप इन्हें हमेशा याद रखते हो। लेकिन अगर बात करें किसी साधारण सी घटना की, तो वो आपको याद नहीं रहती। यहाँ तक कि हो सकता है आपको ये भी ना याद हो कि आपने परसों रात को खाने में क्या खाया था, तो अब आपके साथ क्या हो रहा है। जो चीज आप याद नहीं भी रखना चाहते, दिमाग उसको याद रखता है, क्योंकि उसको वो चीजें पसंद है। और जो आप दिमाग को याद रखवाना चाहते हो वो वह भूल जाता है। अब जानते हैं कि जो चीजें आपको याद रहती हैं उनमें कॉमन क्या है। उनमें कॉमन है एक भावना, एक इमोशन। गाना आपको मजा देता है, घटनाएं रोचक होती हैं, किसी खूबसूरत लड़की या लड़के की शक्ल आपको अच्छी लगती है, कोई बुरी घटना आपको दिल से दुखी कर देती है। ये सारी चीजें जो आपको याद है, ये आपकी खुशी या गम की भावनाओं से जुड़ी हुई है। और साथ ही एक और चीज है, ये सारी चीजें जो आपको याद रहती हैं ये इंटरेस्टिंग है, आपके दिमाग को इनमें मजा आता है। आपकी तारीफ हो या आपकी बुराई हो, वो आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं से जुड़ जाती है, वो आपके लिए यादगार बन जाती है। अब आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो या नहीं, ये आपके हाथ में है, लेकिन आप पढ़ाई को भावनाओं के साथ जरूर जोड़ सकते हो, और उसका तरीका अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पढ़ाई को अपने इंटरेस्ट से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज इंटरेस्टिंग होती है वो जरूर याद रहती है। अब आप कहोगे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इसीलिए कुछ भी याद नहीं होता, तो इंटरेस्ट जगाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, आपको अगर कहीं पर भी जाना है तो आपको उस मंजिल में इंटरेस्ट होता है, ना कि रास्ते में। पढ़ाई एक रास्ता ही है जो आपको अपने गोल तक ले जाता है। अब अगर आपको अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी तक अपना कोई गोल नहीं है। तो सबसे पहले लाइफ में आपको अपना एक ऐसा गोल बनाना पड़ेगा जो वाकई में इंटरेस्टिंग हो, आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, और आप वाकई में वहां पहुंचना चाहते हो या वैसा बनना चाहते हो। अब जब एक बार आपका अपने गोल में इंटरेस्ट सेट हो गया, तब उस गोल को अचीव करना ही आपकी लाइफ का एकमात्र मकसद होगा, और उस गोल को अचीव करने के लिए किया जाने वाला हर काम आपको जरूरी लगेगा। और अगर कोई चीज जरूरी लगती है तो ये भी हमारी भावनाओं से जुड़ जाती है। तो इस तरह से आप अपना एक गोल बनाकर उसे अपनी पढ़ाई के साथ जोड़कर पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर ये चीज भी आपके लिए काम नहीं करती है, तो आपके पास एक और सलूशन है, विजुअल्स। देखो, हर घटना जो आप देखते हो, जो आपको अच्छी लगती है, वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आपको अपनी पढ़ाई को विजुअल के थ्रू पढ़ना शुरू करना चाहिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ऐसे वीडियोस देखिए YouTube पर जहां पर उस कॉन्सेप्ट को विजुअल्स के थ्रू या डायग्राम के थ्रू समझाया गया हो। कभी कभी केवल अक्षर काफी नहीं होते किसी चीज को हमारे दिमाग तक अंदर ले जाने के लिए, लेकिन कोई चित्र या फिर कोई विजुअल ये काम बड़े आराम से कर सकता है। या आप चाहो तो अपनी पढ़ाई में खुद विजुअल्स को इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि न्यूटन के सिर पर अगर एप्पल गिरा था, ये लाइन सुनते ही सबसे पहले आपका दिमाग यही इमेजिन करेगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो पेड़ कैसा था, और जब उसके सिर पर एप्पल गिरा होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। तो जिस भी बच्चे ने बचपन में ये बात पढ़ी थी कि न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था, वो ये घटना कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने इस चीज को इमेजिन किया था, इस घटना के मन में विजुअल्स बना लिए थे। तो अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हो, तो सबसे पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो, अपना एक गोल बनाओ, और फिर उसके बाद विजुअल्स की हेल्प से, अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से उस चीज को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि आप खुद उसे कभी ना भूल पाओ। ये दोनों चीजें काफी अजीब लग रही हैं, लेकिन आप एक बार अगर इन्हें करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत मजेदार हैं। और जो चीज मजेदार होती है, आपके दिमाग को वो करने में बड़ा मजा आता है, वो चीज उसे हमेशा याद रहती है। तो आई होप कि आप जब पढ़ाई करने बैठोगे तो इस टेक्निक को एक बार यूज करके जरूर देखना। डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर ऐसा हो तो मुझे पढ़ाई करने के बाद इस वीडियो पर वापस आकर कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो इसको शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।